आज विधानसभा की कार्यवाही में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में पाक विस्थापितों को नागरिकता देने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पाक विस्थापित नागरिकों के आवेदन लंबित चल रहे हैं। अकेले जोधपुर में ही करीब 8,000 आवेदन अभी तक लंबित हैं। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इन्हें नागरिकता देने का काम करे। और इस मामले पर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। आईबी और सीआईडी की रिपोर्ट के बाद ही हम उन्हें यहां की नागरिकता दे सकते हैं। बाड़मेर जिले में जहां 32, जैसलमेर में 6, जालौर में 11 और जोधपुर में 1,112 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। जोधपुर में सर्वाधिक पाक विस्थापितों को अब तक नागरिकता दी गई। इसके साथ ही उन्होंने राठौड़ से कहा कि आवेदन 7 साल से लंबित हैं। तो इससे पहले तो आपकी ही सरकार थी, आपकी सरकार ने नागरिकता आखिर क्यों नहीं दी? वहीं इसके अलावा किसान कर्ज माफी का भी आज मामला विधानसभा में गूंजता नजर आया। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान के अंदर वो 30,000 पाक विस्थापित जो 1965-1971 और उसके बाद लगातार हर सप्ताह एक रेलगाड़ी के माध्यम से जैसलमेर बाड़मेर में पहुंच रहे हैं, उनकी बात को मैंने उठाया। मैंने मांग की कि जो इंडियन सिटीजन एक्ट के अनुसार जो 7 साल तक लगातार हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कैंप लगाकर नागरिकता दी जाती थी और उसके साथ ही उनको उनका रिहैबिलिटेशन प्लान और उन्हें अभी जिस जमीन पर जोधपुर में पाक विस्थापित बसे हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। इस पर मैंने आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार की तरफ से उन्होंने उत्तर